मित्रों, पति के रूप रंग को भी जो है तो पहचानना परम आवश्यक है। आपका जो है भावी पति या भावी जीवन साथी कैसा होगा, उसकी कैसा रूप रंग होगा, इसका भी ज्ञान होना जरूरी है। और यह अगर जो है अष्टकूट बराबर जो है तो आपके मिलान खाते हैं, कोई भकुट आदि दोष नहीं होता है, नारी दोष नहीं होता है, तथा जो है आप दोनों के राशि का एकाधिपत्य योग है, या राशि दोनों जो है एक ही स्वभाव के है, तो खान पान आदि स्वभाव सब कुछ एक जैसे होगा, और उसमें जो है विषमता ना होने की वजह से दाम्पत्य जीवन जो है बिना जो है किसी वैचारिक समस्या के, बिना जो है वैमनस्यता के निकल जाएगा। और यदि कदाचित इनमें जो है किसी तरह की भी कोई न्यूनता रह जाती है तो एक न एक समस्या बनी रहती है। इसलिए जो है हमें यह विषय तो देखना ही चाहिए, लेकिन साथ में जो है यह भी देखना चाहिए कि यदि सप्तमेश चंद्र बुध गुरु शुक्र ये शुभ ग्रह हों चार, और यदि ये सप्तम में बैठे हों या सप्तम को जो है तो देखते हों, तो एक तो यह बात होगी कि सम आयु वाला पति मिलेगा। पति की आयु में और पत्नी की आयु में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, 2-4 वर्ष का जो है अंतर होगा, और सुंदर जो है गौरांग होगा, सुंदर वर्ण वाला जो है पति प्राप्त होगा। और यदि सप्तमेश या सप्तम भाव में कोई पापी ग्रह बैठे हो, जैसे सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, इनका प्रभाव हो, तो यह जो है बड़ी आयु में विवाह कराते हैं, तथा पति की आयु 5 वर्ष या 5 वर्ष से उत्तर वर्ष की जो है तो अंतराल की प्राप्त होती है। सूर्य का प्रभाव यदि लग्न में हो, सप्तम भाव में होता है, तो वह गौरांग पति जो है बन प्रदान करता है, आकर्षक चेहरे वाला होता है। किंतु मंगल का प्रभाव यदि होता है तो उस पति का चेहरा जो है तो लाल होता है। शनि के प्रभाव से वह पति काला होगा, क्रोध होगा, तथा जो है बड़ी आयु वाला हो। किंतु जो है यदि जो है उच्चस्थ शनि सप्तम में बैठेगा तो पति गौर वर्ण का हो, सुंदर होगा और शरीर उसका जो है पतला होगा। हाँ, आयु में जो है 10-12 वर्ष का जो है अंतराल संभव है, 10-12 वर्ष का अंतराल हो सकता है। तो इसलिए मित्रों, जैसा सप्तमेश होगा पति का स्वभाव वैसा ही होगा। जैसे यदि हम विचार करें कि यदि सप्तमेश सूर्य है, सप्तम में सूर्य का प्रभाव है, तो पति जो है गोलमुख वाला हो तथा तेज ललाट वाला होगा, तेजस्वी होगा, उसके चेहरे में आकर्षण होगा, गौर वर्ण का होगा, सुंदर होगा, यशस्वी होगा, राजकीय कार्यों से संबद्ध कार्य करने वाला होगा या राजकीय नौकरी करने वाला। इसी तरह से चंद्रमा की स्थिति से शांत प्रिय सबको प्रिय होगा, गौर होगा, मध्यम कद वाला होगा, सुडौल होगा। किंतु जो है मंगल से बलवान शक्तिवान किंतु क्रोधी होगा, नियम का पक्का होगा, सत्यवादी होगा और छोटे कद वाला होगा। इसी तरह से हम सभी भी ग्रहों से जो है तो विचार कर सकते हैं। यह स्थिति है। अब पति के भवन का जो है यदि हम विचार करें तो पत्नी की कुंडली से 10वां भाव जो है पति के भवन का होता है, और यदि 10वें भाव में शुक्रह की स्थिति होगी तो उसका भवन सुंदर होगा, शुक्रहों से दृष्ट होगा तो सुंदर भवन वाला, सुंदर मकान वाला जो है पति होगा। 10वें में जो है अगर पापक ग्रहों का प्रभाव होगा, राहु केतु शनि आदि का प्रभाव होगा, तो पुराने भवन वाला होगा, सूर्य चंद्र बुध गुरु शुक्र का प्रभाव होगा, तो सुंदर जो है सेमेंटेड बढ़िया जो है
पत्थर लगा हुआ सुसज्जित जो है तो मकान की प्राप्ति होगी। इसी तरह से जो है हम अन्य अन्य विषयों का जो है तो विचार करके सम्यक प्रकार से कुशल ज्योतिषी से जानकारी करके फिर अपनी कन्या का जो है तो प्रदान कन्या प्रदान करें या बच्चा या बच्ची का जो है संबंध स्थापित करें तो भावी जीवन जो है सुखद रहेगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।